आज मैं आपको अपने शहर यानी कि पटना घुमाने वाली हूँ, जो कि मेरा शहर है। डीजे का नहीं, डीजे यानी बचपन से रहे मैं रही हूँ, गर्व से बोल रही हूँ मैं कि मैं पटना से हूँ। और सफ़र की शुरुआत हो गई है, तो यहाँ से घर से वहाँ तक जाने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। मुझे लोकेशन आपने देखा ना, वहाँ पर बहुत कुछ था, बहुत बढ़िया बढ़िया, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हम निकल पड़े हैं, और जब हम घर से निकले थे तो हमें सच में बिल्कुल नहीं पता था कि हम पार्क जाने वाले हैं या कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। बस घर से निकले थे तो मैंने बस डीजे से ये कहा था कि बढ़िया से जगह से गोलगप्पे खिलाना मुझे और घर लेके आ जाना। लेकिन पता ही है मेरा मुंह ऐसे क्यों उतरा हुआ है, क्योंकि डीजे ने एक घंटे तक स्कूटी इतनी दौड़ाई कि मैं आखिरी में बोलने लगी प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे कोई गोलगप्पे नहीं खाने हैं। बट वापस आते वक्त हमें दिख गया ये प्यारा सा पार्क। हम यहाँ गोलगप्पे के लिए ही उतरे थे, लेकिन ये पार्क दिखा तो हमने सोचा कि चलो। तो यहाँ टिकट काउंटर से डीजे ने ले लिया टिकट, उसके बाद पार्किंग में लगाई गाड़ी, और ये यहाँ पे छोटू सा हाथी था, मैं उसको भी कवर कर रही हूँ। तो अंदर एंटर हो गया, मैं डीजे को बोल दी ना कि जब प्यारा सा हाथी है, तो डीजे कह रहे थे तुम भी तो भैंस से बस हाथी बनने की कगार पे हो, पीछे फाइटर जेट भी है। तो मैं और डीजे ना बस एक दूसरे से मजाक करते रहते, आप लोग ऐसे बुरा मत मानना, हस्बैंड वाइफ में ना ऐसे मजाक चलते हैं, मतलब ये भैंस हाथी वाले। और मैं एक बार मतलब एक बात और बताऊं कि बहुत सारे कपल्स होते हैं ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से चल रहे होते हैं, लेकिन मैं और डीजे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों ने जब घूमने जाते हैं ना, तो ना मैं डीजे को ध्यान देती हूँ कि वो कहाँ चल रहे हैं किधर है, ना डीजे मुझे देखने जाते हैं कि कहाँ है। बस हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त घूमते हैं। कौन कौन ऐसे हमारी तरह कपल जो कि एक दूसरे का हाथ कभी नहीं पकड़ के घूमते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं कपल्स जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से घूमते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और ये बच्चों के लिए ना जंप कर करके शहर जाने वाला था। इसके साथ यहाँ पे हो रही थी स्केटिंग, बट यहाँ पे हमारा अनमोल तो आया नहीं है। एक बच्चा ना ऐसे चल चल के जा रहा था, मैंने कहा हमारा अनमोल आता ना तो ऐसे ही स्केटिंग करता चल चल के, बहुत आगे जाके ना एक बच्चा चल रहा था सिर्फ। और बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हम तो बच्चों को लेके ही नहीं आए हैं, तो बस हम आगे बढ़ते चले। किसी ने बताया था कि आगे बोटिंग होता है, तो हम एक्चुअल में वही जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे बोटिंग होता है। और रास्ते में हमें ये दिख गया जहाँ की ना कुछ फैमिली थी जो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, और जस्ट उनके अपोजिट साइड में ना प्री वेडिंग शूट हो रहा था। तो हमने सब देखते हुए निकल पड़े, वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का ना एयर में ऐसे हवा में ऐसे उड़ते हुए दिख रहा था, वहाँ पे प्री वेडिंग शूट हो रहे थे। तो शूटिंग को छोड़कर उसमें कहाँ घुसना, तो हम बस आगे निकल पड़े हैं। हमारी तो किसी ने कोई प्री वेडिंग शूटिंग नहीं करी थी, क्या आपने कराई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे तो ऐसे कुछ नसीब नहीं हुआ। और यहाँ पे ना ये पीछे जो है ना, इसमें बहुत सारे कांच थे, जो नहीं बाइक कार वगैरह के कांच रहते, मुझे लगता है सबके जो टूटते होंगे ना वो यहीं आके लगा देते होंगे। और इसके साथ हम पहुँच गए यहाँ बोटिंग के पास में। यहाँ सामने हंसों के झूला इतने प्यारे प्यारे हैं कि पूछो मत, सामने देख लो। मैं आगे जाऊँगी ना तो आपको पास से कैप्चर करके दिखाऊंगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना बोटिंग करें, तो बस हम निकल पड़े हैं टिकट काउंटर के लिए। और उसके साथ ही ना इसके अलावा भी यहाँ पे आपको बहुत सारे लोकेशन बढ़िया बढ़िया देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में मैं खुद भी यहाँ कभी आई नहीं थी, डीजे ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा पटना घुमा दिया है। और ये मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पे, ये एक डॉल्फिन है, फिश है, जिसके अंदर बहुत सारे ना बॉटल्स जो थे ना रिसाइकल करने के लिए वो सब डाले हुए थे। तो अगर आप में भी है कुछ ऐसी कारीगरी तो हम मुझे फोटो खींचकर जरूर भेजिएगा इस पर, आप कि अगर कुछ ऐसा टैलेंट दिखा तो मैं आपको 500 रुपये का इनाम दूंगी। मजाक कर रही थी। और इसके साथ सामने आपको दिखा हंसों के जोड़ा बहुत सारे, तो मैं डीजे को बोली कि चलो यहाँ से, क्योंकि बोटिंग के लिए ना आपको अगर आप दो लोग बोटिंग करोगे तो पैर से आपको ऐसे चला चला के जाना पड़ेगा, बट मेरे पैरों में इतनी ताकत कहाँ, यहाँ वेलकम लिखा हुआ था, तो यहाँ मैंने डीजे को खड़ा करके एक वीडियो ले लिया। और इसके साथ हम पहुँच गए एक खूबसूरत से लोकेशन पे, जो कि मुझे इस पार्क का सबसे बेस्ट पार्ट लगा। और इस पार्क का नाम क्या है अगर आप पटना में रहते हो ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि पूछो मत। और आपके हस्बैंड किस टाइप के हैं, बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसे जो यहाँ से वहाँ घुमाते रहते, या फिर वो जो कि बोले नहीं घर में बैठे रहो।